नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 हिंदू नव वर्ष के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आज देश भर में पथ संचलन का कार्यक्रम किया गया। इसी क्रम में यूपी के संभल जिले के सरायतरीन व हयातनगर में भी आरएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचलन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभाग प्रचारक अतुल कुमार जी, कार्यक्रम अध्यक्ष अरविंद कुमार जी, विभाग कार्यवाह छत्रपाल जी, जिला प्रचारक आशुतोष जी, नगर प्रचारक अजीत जी, नगर कार्यवाहक गोपी जी, बाल मुकुंद जी के साथ साथ आरएसएस के सैकड़ों स्वयंसेवकों व अनुसंगी संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और सभी को नूतन वर्ष की बधाई दी। पथ संचलन कार्यक्रम बीडी इंटर कॉलेज से शुरू होकर सरायतरीन, कच्चा बाजार, प्रथमा बैंक, साजीपुरा, हयातनगर, बिजली घर, हनुमान मंदिर पर होता हुआ बीडी इंटर कॉलेज पर जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान पथ संचलन में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों पर नगरवासियों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। उधर इस अवसर पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष गणेश शर्मा ने एराइज न्यूज से खास बात करते हुए इस दिन के महत्व पर प्रकाश डाला। भारत माता की जय, जय श्री राम, सभी को प्रणाम, सभी भाइयों को मेरी राम राम। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा नव संवत्सर 2080 की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सब लोग जानते ही हैं कि आज का दिन बड़ा ही परम दिन है, आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है। आज के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, आज के दिन हमारी नवरात्रि प्रारंभ होती हैं, आज ही के दिन भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ था, आज के दिन हमारे संघ के संचालक हेडगवार जी का जन्मदिन भी है। आज इतना पावन दिन है कि सृष्टि जो है, वसंत जो है, पेड़ों पर हरियाली छड़ा छा जाती है और हमारे किसान भाइयों की फसल भी आने का समय होता है। ये बड़ा ही उमंग, हर्ष और उल्लास का आज से हमारा नव वर्ष का दिन प्रारंभ हो जाता है। और मैं सभी को एक बार पुनः विक्रमी संवत 2080 की सभी नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं इस मौके पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। एराइज न्यूज के लिए रतनदीप शर्मा के साथ हरिओम तोमर की रिपोर्ट। उधर संभल के हयातनगर स्थित श्री उमेद राय इंटर कॉलेज के पास आज से 10 दिवसीय भागवत कथा की शुरुआत हुई। इस भागवत कथा के पहले दिन आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें दर्जनों महिलाओं ने भाग लिया। इसके बाद वैदिक मंत्रों के साथ हवन पूजन का कार्य शुरू हुआ। इस भागवत कथा के आयोजनकर्ताओं ने सभी सर्वजनों से अपील की है कि वो भारी संख्या में इस भागवत कथा में भाग लेकर धर्म लाभ लें। एराइज न्यूज के लिए रतनदीप शर्मा के साथ हरिओम तोमर की रिपोर्ट।